नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। देश का सच दिखाते हैं हम। कानपुर से संवाददाता अब्दुल निसार की रिपोर्ट। आज आरोग्य धाम ग्वालटोली द्वारा हनीमैन चौराहा सिविल लाइन्स में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें झंडारोहण के साथ साथ नन्हे मुन्ने बच्चों ने स्वर यंत्र पर देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति देकर सबका मन मोह लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मेजर योगेंद्र सिंह कटियार, विशेष अतिथि के रूप में ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ADCP पश्चिम कानपुर नगर उपस्थित रहे। आरोग्य धाम के संस्थापक RR मोहन एवं संस्थापिका पुष्पा मोहन ने पुष्प माला पहनाकर अतिथियों का स्वागत किया। देखें खास रिपोर्ट कानपुर से। भारत माता की Good morning everyone. First of all, I would like to wish you all a very happy Independence Day. Today, the whole nation is celebrating Independence Day at Amrit Mahotsav. It is an initiative of the Government of India to celebrate this occasion and the glorious history of its people. 15th is considered as the Day of Independence. It is considered as a very fortunate day when India got freedom from the Britishers. This we did not get freedom easily. It could be possible just because of the efforts of our freedom fighters. Today is the day to remember and pay tribute to the sacrifices of these freedom fighters. We are here to acknowledge the privilege of being born in free India. We are proud of our nation. At last, before ending up my speech, I would like to say, when eyes are open, the earth belongs to India. When the eyes are closed, the memories are of India. Even if we die, there is no sorrow. At the time of death, soil must be of Hindustan. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. Jai Hind. Dr. Hemant Mohan, along with Dr. Aarti Mohan, the full team of Arogya Dham, we are just going to organize flag hoisting on the very happy welcome Independence Day. आज आजादी का हमारा 75वां जो अमृत महोत्सव है, उसमें मैं आरोग्य धाम से डॉक्टर हेमंत मोहन, डॉक्टर आरती मोहन, यहाँ आए हुए समस्त अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में मेजर योगेंद्र सिंह कटियार जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अपना बहुमूल समय निकाल कर आए हैं, और उन्हीं के समकक्ष हमारे ADCP वेस्ट ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव जी, जो कानून व्यवस्था को बहुत अच्छे से संभाले हुए हैं हमारे शहर में, उनका आरोग्य धाम की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों अतिथिगण जो अपना बहुमूल्य समय निकाल के आए हैं, रियली वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। हम लोग हनीमैन चौराहे पर फ्लैग होस्टिंग करेंगे, साथ ही हमारी बेटी अलमा मोहन सीलिंग हाउस में स्टूडेंट है, वेलकम स्पीच करेगी, और विठल मोहन हमारे जो है देशभक्ति के कैफियों से गाएंगे। उसके बाद हम सब लोग कार्यक्रम को समापन करेंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ जितने भी हमारे अतिथि आए सबको कम से कम 5-5, 6-6 जगह जाना होगा, समय बहुमूल्य है। आज तक आप दोनों अतिथियों से मैं अनुरोध करूँगा, मिस्टर योगेंद्र सर, हमारे ब्रजेश श्रीवास्तव जी, प्रशांत शर्मा जी, हमारी माता जी पुष्पा मोहन जी, मैं अलिमा मोहन से रिक्वेस्ट करूँगा हमारे आए हुए अतिथियों का वेलकम करें। हमारे बीच में यहाँ पर हमारे में 3 सूबेदार जी भी आए हैं आरोग्य धाम, उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता है। हमारे यहाँ प्रशांत शर्मा जी, सत्यम शुक्ला जी, पारस मदान जी, नगर निगम से हमारे किशोर आहूजा जी, अनुज अवस्थी जी, इलाहाबाद बैंक से हमारे RN खन्ना जी, हमारे सीनियर एडवोकेट सुनील मिश्रा जी, उनके साथ जितने भी लोग आए सबका आरोग्य धाम की टीम हार्दिक अभिनंदन करती है। ये लाइए एक मिनट रुकिए, एक मिनट।
हमारे आर्मी के जवान हो, या हमारे बुजुर्ग हो, या हमारे बच्चे हो, या हमारे पुलिस के अधिकारी हो, सब लोग बड़े जोश के साथ अपने आजादी के इस 75वें अमृत महोत्सव पर